गाइस ब्लेंडर ओपन करने के बाद हम लोग कैमरा और लाइट को सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, और मैं अब क्यूब को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ वाई एक्सिस पे। फिर मैं एडिट मोड में जाऊँगा, टू प्रेस करूँगा और ये साइड वाले फेसेस सिलेक्ट करके इन्हें एक्स एक्सिस पे स्केल डाउन कर दूंगा, तकरीबन इतना। उसके बाद मैं इस पे बेवल मॉडिफायर डालूंगा थोड़ा सा कम ऐसे, और मैं सेगमेंट्स काफ़ी ज़्यादा दे दूंगा, तकरीबन 7। उसके बाद मैं एक यूवी स्फीयर ऐड करूंगा, उसको शेड स्मूथ करूंगा, उसको स्केल डाउन कर दूंगा और यहाँ पर ले आऊँगा। फिर मैं इसे भी डुप्लीकेट करूंगा, इसे मैं थोड़ा बाहर निकाल दूंगा, थोड़ा सा स्केल कर दूंगा। फिर मैं इसे डुप्लीकेट करूंगा, यहाँ पर ले आऊँगा, थोड़ा सा अंदर कर दूंगा और इसे स्केल डाउन कर दूंगा। तो मैंने सिंपली यही प्रोसेस आगे भी करना है। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसे डुप्लीकेट करके ज्वाइन कर दिया। उसके बाद मैं इसके ऊपर मॉडिफायर लगाऊंगा जिसका नाम है मिरर मॉडिफायर। अब आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा इस तरह हो गया। तो आप फिक्र ना करें, मैं एडिट मोड में जाऊंगा, ए सिलेक्ट करूंगा और इसको इधर मूव कर दूंगा, तकरीबन इतना। उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाके इसको इधर कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि अब ये दोनों साइड पे आ गए हैं। तो अब हम मुझे ऊपर भी चाहिए, तो मैं एडिट मोड में जाऊंगा, एल प्रेस करूंगा ए की बॉल पे और उसको डुप्लीकेट करके पी सिलेक्शन कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ गए, उसको मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा, तो मैं ये जो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है इसको हल्का सा स्लाइटली इधर मूव करूंगा तो आप पीछे सिलेक्ट कर पाएंगे उसको। मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, टॉप व्यू में जाता हूँ, इसको मैं तकरीबन इतना रोटेट करता हूँ और इसको मैं इधर ले आता हूँ। तो अब मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, इसको मैं ऐसे करके रोटेट कर देता हूँ, एडिट मोड में ए स्केल डाउन, इसको मैं इधर रख देता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड इसको मैं रोटेट करता हूँ ऐसे, और मैं इसमें मिरर मॉडिफायर अप्लाई कर देता हूँ और फिर एल थोड़ा सा स्केल अप और नीचे। अब इन सब को मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, इसको भी। अब आप देख सकते हैं वो भी जा रहा है नीचे, तो मैं इसको सेपरेट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, पीस सिलेक्शन इसको मैं नीचे कर देता हूँ और सबको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, इसको भी, इसको मेन ऑब्जेक्ट रखना है और फिर कंट्रोल जे। अब आप देख सकते हैं कि सब गायब हो गया क्योंकि हमने मिरर मॉडिफायर डाला हुआ है। तो मैं इस पे भी मिरर मॉडिफायर अप्लाई कर देता हूँ, इस पे भी अप्लाई कर देता हूँ और फिर मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल जे। अब देखें ये बिल्कुल एक्यूरेट हुआ है। फिर मैं चीज को सिलेक्ट करता हूँ और उसको मैं एक बुलियन मॉडिफायर देता हूँ और उसका टारगेट मैं इन बॉल्स को रख देता हूँ। अब जब आप देखें बॉल्स को हाइड करेंगे तो पीछे ये आपके पास आ जाएंगे होल्स, तो कि हमें यही चाहिए और ये बहुत अच्छा लग रहा है। ऑल टच दबाऊंगा मैं और इसको एडिट मोड में लेके जाके एक बॉल को सिलेक्ट करूंगा बाय प्रेसिंग एल। एल से बेसिकली पूरा एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता है ये। इसको मैं करता हूँ डुप्लीकेट पी सिलेक्शन क्योंकि मुझे ये आगे के लिए चाहिए। फिर मैं इसको इन सब को थोड़ा सा मूव करता हूँ, आगे वाला लेता हूँ और इसको इधर कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्केल और थोड़ा सा नीचे रख लेता हूँ और पीछे और एक्स एक्सिस पे ऐसे, और फिर मैं डुप्लीकेट। अब जब मैं हाइड करूँगा तो ये आप देखें कि अब कितना अच्छा लग रहा है। आप पीछे से भी चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा कैमरा व्यू इस तरह का कुछ करूंगा कि पीछे से नज़र नहीं आएगा। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं और एक प्लेन ऐड करता हूं, उसको मैं बहुत बड़ा कर देता हूं। उसके बाद मैं एक कैमरा ऐड करता हूं। अब आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ ऐसे, देखें अब जब मैं मूव कर रहा हूँ तो बॉल्स उड़ रही हैं, तो ये थोड़ा अजीब सा हो रहा है, आपको कन्फ्यूजन होगी। तो इसको मैं नीचे करता हूँ और इसका बुलियन मॉडिफायर अप्लाई कर देता हूँ और फिर आप बॉल्स को डिलीट कर दें, बेशक फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। इनको बॉल्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, बॉल्स को सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। अब आप इसको ऊपर करें तो भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर मैं इस व्यू में जाऊँगा ऐसे और मैं कैमरा यहाँ पर लाऊंगा, और जब आप जिस व्यू में कैमरा को डालना चाहते हैं तो आप उस व्यू में बार बार मूव करें, रोटेट करें, तो वो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आपने जिस व्यू से देखना है आप उस व्यू पर जाएँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस व्यू से देखना है, फिर मैं कंट्रोल ऑल्ट और नम पैड 0 दबा दूंगा, तो आप देख सकते हैं कैमरा ऑटोमेटिकली उधर ही आ जाएगा। उसके बाद मैं इसकी फोकल लेंथ दे देता हूँ 130 या फिर 124 और मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं सेव हो गए। उसके बाद आप इसको बेवल और देना चाहें तो दे दें, मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ क्योंकि अभी मुझे बेवल भी नहीं चाहिए। और उसके बाद मैं एडिट मोड में जाता हूँ, ये आगे वाले दो आप देख सकते हैं कि ये बेवल नहीं हुए, तो आप इसे बेवल कर सकते हैं लेकिन मुझे ये ऐसे ही चाहिए। तो मैं फिर
मटेरियल्स टैब में जाता हूँ और अब हम टेक्सचरिंग करते हैं। तो इसको आपने सिंपल बस येलो कलर येलोइश दे देना है, थोड़ा सा इस तरह का। अब आप देख सकते हैं कि होल्स में नहीं कलर हो रहा, तो ए प्रेस करें और सिंपली असाइन कर दें। अब देखें हर जगह पे येलो आ गया। फिर आप इसकी रफनेस कम करना चाहें तो कर लें, मैं 0.4 इसकी रफनेस कर देता हूँ। उसके बाद मैं प्लेन को सिलेक्ट करके हल्का सा स्लाइटली ब्लूइश, आप चाहें तो आप इसको येलोइश भी दे सकते हैं, मैं इसको अगर ऑरेंज दूँ, लाइट ऑरेंज, इसको मैं 0.040 मैं इसको ऑरेंज दूंगा। फिर मैं सेव करूंगा और मैं साइकल्स में जाऊंगा, फिर सीपीयू को जीपीयू में, और डिनोइजर ऑन करके 120 इसके मैक्स सैंपल और 64 में इसके व्यूपोर्ट सैंपल्स कर लूंगा। और फिर मैं कलर मैनेजमेंट में जाके इसको हाई कॉन्स्टेंट, आप इसको स्टैंडर्ड भी कर सकते हैं, और नीचे मैं इसको 0.1 और इसको भी 1.1। अब आप जाके देखें तो आप देख सकते हैं कि सारा यहाँ सीन डार्क है। तो मैं यहाँ से इन्वायरमेंट में जाता हूँ और मैं एक अपना HDRI डालता हूँ, आप पॉली हेवन से अपना HDRI डाल सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अब आप देख सकते हैं कि मुझे यही लाइटनिंग चाहिए। अगर आपने लाइटनिंग को अपने HDRI को मूव करना है, क्योंकि अगर आपको वो वाली जगह पसंद नहीं आई तो जहाँ पर आपका HDRI है, तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट से वर्ल्ड में जाएं। अब यहाँ पर आप वर्ल्ड की सेटिंग, मतलब वर्ल्ड मतलब HDRI आपके इन्वायरमेंट की लाइटनिंग, अब आप उसको यहाँ से कर सकते हैं मूव रोटेट। तो अब मैं इसको कंट्रोल टी दबाऊंगा ताकि ये आपके पास दो नोड्स आएंगे। अगर आपके पास नहीं आ रहे तो आप एडिट में जाएं, प्रेफरेंसेस में जाएं, एड ऑन में जाकर आप सर्च करें नोड, आपके पास आएगा नोड रेंगुलर एड ऑन, इसको आपने ऑन कर देना है। तो आप कंट्रोल टी दबाएंगे तो आपके पास आ जाएगा। तो उसके बाद आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको 90, तो ये आप देख सकते हैं कि ये रोटेट भी हो रहा है। इसको अगर मैं 45 करूँ तो भी रोटेट हो रहा है। तो आप इसको बहुत ज़्यादा तरीक़ों पर रोटेट कर सकते हैं। मैंने इसको ज़ीरो करना है तो मैं इसको ज़ीरो कर दूंगा। फिर मैं अपने ग्राउंड को सिलेक्ट करूंगा, ये थोड़ा सा येलोइश लग रहा है, मैंने इसको ज़्यादा ऑरेंज करना है तो मैं यहाँ पर जाके इसको थोड़ा सा रेड की तरफ कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि ये अभी ऑरेंज लग रहा है, इसको मैं 0.024 अब ऑरेंज लग रहा है, और मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा येलो कर देता हूँ ऐसे ऐसे, और इसको या फिर इसको मैं 0.8 या 0.9 या पूरा ही कर देते हैं, इसको मैं 0.950 कर देता हूँ, और ऊपर से इसको 0.120। परफेक्ट। तो उसके बाद मैं अपना HDRI थोड़ा सा डिम कर देता हूँ, 0.5 कर देता हूँ मैं इसको 0.5। अब आप देख सकते हैं हमारा HDRI थोड़ा डिम हो गया है, तो और अब हमारा जो प्लेन है वो अब सही ऑरेंज लग रहा है, तो मैं इसको वापस इसकी ओरिजिनल कलर में ले आता हूँ 0.40। उसके बाद मैं एक लाइट ऐड करता हूँ, सिंपल एरिया लाइट, और इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर जाके स्पॉट लाइट दे देता हूँ, और स्पॉट लाइट को मैं और भी ऊपर कर देता हूँ तकरीबन इतना, और इसका स्पॉट साइज मैं इतना छोटा कर देता हूँ तकरीबन 20, इसकी स्ट्रेंथ में काफ़ी ज़्यादा कर देता हूँ तकरीबन 10,000 सही है। मगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह का इसके अराउंड शेड है, तो मैं सिंपली एडिट मोड में जाऊँगा, टॉप व्यू में जाऊंगा, ऊपर वाला सारी वर्टिसेस सिलेक्ट कर लूंगा, मेक श्योर करना है कि सिर्फ आपका ऊपर वाला हिस्सा ही सिलेक्ट हुआ हो। उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊंगा, इसको मैं यहाँ से इसका कॉपी कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं कॉपी ना करूँ और मैं मूव करूँ तो पूरे उसका मटेरियल चेंज होगा। एडिट मोड में इसको मैं कॉपी कर दूंगा, मेक श्योर करना है आपने इसको सिलेक्ट ही रखना है। अब आप देख सकते हैं मेरा सिलेक्ट है ऊपर वाला हिस्सा, और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से कॉपी। अगर आपका अभी भी ना हुआ ना तो ये कोई इशू आएगा, शायद एडिट मोड में ये ना हो सके, या फिर इसके नीचे ये डुप्लीकेट है, ये आप देख सकते हैं, तो ये इसकी वजह से हो रहा है। तो मैं सिंपली सिलेक्ट करके पी सिलेक्शन ऑब्जेक्ट मोड में थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूंगा, इस व्यू में आ जाऊं, फिर मैं सिलेक्ट करता हूँ अपना स्लाइस, इसको आप मैं इधर मूव कर देता हूँ, और अब ये सिलेक्ट करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, और सबसे पहले तो इनको ज्वाइन करता हूँ,
क्योंकि ये सिर्फ ये डॉट सिलेक्ट कर रहा है, ये पीछे फेस नहीं सिलेक्ट कर रहा, तो ये हमें ये नहीं चाहिए। तो हमें ये भी पता चल गया कि ये एक प्रॉब्लम है। तो आप इसको डार्क कर दें या तो पूरे को डार्क कर लें, क्योंकि अभी हमने वैसे भी और भी लाइटनिंग करनी है। इसको मैं 0.3 कर देता हूँ। अब आप जाके देखें तो वो अब ऊपर फिर बेहतर है। तो मैं अब एक और लाइट ऐड करता हूँ जिसका नाम है एरिया लाइट। उसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, इसको मैं स्केल करता हूँ और इसको मैं रोटेट करता हूँ एक्स एक्सिस पे इतना, इसको ऐसे, और फिर मैं इसको तकरीबन इधर ले आता हूँ ऐसे, और उसके बाद मैं इसकी स्ट्रेंथ 500, और मैं इसको थोड़ा सा और पीछे करके रोटेट कर देता हूँ तकरीबन ऐसे। जब आप ये हो गया तो मैं इसको पहले तो इधर कर दूँ और इसको मैं ऐसे थोड़ा सा और भी ऐसे, और मैं इसको 1000 दे देता हूँ, और इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लू या फिर रेड या ब्लूइश, ऐसे काफ़ी है। अब ये पिंक शेड आ रहा है तो मुझे यही चाहिए था। उसके बाद मैं ये जो मेरा स्पॉट लाइट है इसको मैं हल्का सा येलो कर देता हूँ, हल्का सा नीचे, इसको मैं 0.7 और इसको मैं 0.120, परफेक्ट। अब आप देख सकते हैं हमने इसको ब्लू किया तो ये पिंक शेड आ रहा है, और मुझे पता था कि हम लोग ब्लू और येलो को मिलाएंगे तो ब्लू और वाइट को तो ये पिंक शेड आएगा। तो अब इसलिए मैंने, अब मैं पिंक करता तो वो फिर गायब हो जाता, उसकी लाइट डिम हो जाती है। आप कहेंगे कि हम तेज़ कर लेंगे, लेकिन वो फिर प्लेन पे इफेक्ट करता, बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाता प्लेन, तो इसलिए मैंने ये किया। फिर मैं इसको दोबारा डुप्लीकेट करता हूँ शिफ्ट डी, इसको मैं रोटेट करता हूँ ऐसे और मैं इधर ले आता हूँ, और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बहुत कोने में है, तो मैं चाहता हूँ कि ये ज़रा कैमरा सीन में आए। इसको मैं ज़रा कुछ इस तरह कर देता हूँ, थोड़ा ऐसे रोटेट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ ले आता हूँ थोड़ा सा और पीछे, और इसको ऐसे। अब कैमरा व्यू से देखें तो ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। अब आप इसको रेड कर दें, लेकिन वो जैसे मैंने आपको कहा था कि हम इसको पिंकिश कर लेंगे, तो वो पिंकिश तो हो जाएगा लेकिन वो इस तरह का नहीं होगा, ब्राइट और ज़रा कलर लग रहा है, और इसमें देखें कितना रफ सा लग रहा है और वो सब, तो इसलिए मैंने ये किया था। तो मैं इसको ग्रीन भी नहीं दे सकता, ये भी नहीं दे सकता, अगर तो मैं इसको रेड, फुल रेड कर दूँ और ऑरेंज थोड़ा सा कर दूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह सीन सा आ रहा है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको मैं अगर ऑरेंज कर दूं 0.030 ऑरेंज हो गया। उसके बाद मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके, मतलब अपने प्लेन को, इसको मैं ब्लैक कर देता हूं, तो ये एक इस तरह भी हो सकता है। और फिर मैं अपने इसको 0.1 कर देता हूं, 0.1 या फिर 1, चले 1 कर देते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि प्लेन थोड़ा सा ग्रेश हो गया, तो मैं इसकी रफनेस फुल बढ़ा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। तो अगर आप इसका मेटालिक बढ़ा दें तो ये देखिए बड़ा प्यारा कूल सा लग रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं। और फिर मैं इसको थोड़ा सा 0.5 दे देता हूँ मैं भी ब्राइटनेस इसकी, और उसके बाद मैं लास्ट दफ़ा लाइट्स डुप्लीकेट करूँगा। ये लाइट सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ शिफ्ट डी, तो मैं तकरीबन इधर ले आता हूँ। अब आप रेंडर व्यू में देखें कि ये उधर आ रहा है, मैं इसको इधर कर देता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये उधर रिफ्लेक्ट करे, मैं इसको काफ़ी बड़ा कर देता हूँ, और इसका कलर मैं ग्रीन करूँ या फिर मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ ऐसे। तो आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत सा सीन लग रहा है। आप चाहें तो आप इसको पिंक भी कर सकते हैं, लाइट पिंक लेकर मैं ग्रीन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ा अच्छा लग रहा है।